एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो सुबह का टाइम है, करीब 4:30 बज रहे होंगे और मैं उठ चुकी थी 4 बजे। अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह होके अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी, वो पी के मैं जाने वाली हूँ वर्कआउट करने के लिए। और आज हम लोग जाने वाले हैं नागपुर, ऐसा हमने सोचा है। लेट्स सी जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमें कुछ काम है वहाँ पर। सो चलिए फटाफट से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ और जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए। ट्रेन की कॉफी ली इन्होंने। पी के तो बताओ कैसी है। अच्छी लगी मेरे को इसी। तो पी के बताओ ना। अच्छी दूर से लग रही थी। अच्छी दूर से लग रही थी। हम नहीं लग रही क्या? खुशबू से तो नहीं लग रही है। आप पी के देखो। मैंने पी थी, शक्कर है उसमें। खुशबू लेना पीने के लिए कौन बोल रहा है? तो दो ना इधर, मैं पी थोड़ी लूंगी एकदम। ठीक तो लग रही है, तो पी कर देखो ना। 30 रुपए की कॉफी। कितने की? 30। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? सकते हैं, बस पूछ पूछ के हमारा मुंह में पानी लाते, दिल जलाते रहते हैं। आप ले लो ना, आपको क्या खाना है आप खा लो ना। तो अच्छा, इतने सीधे कब से हो गए आप? मैं सीधा ही हूँ। फ्रेंडों को पता नहीं किस बात का टेंशन हो रहा है। शॉपिंग करेंगे, लेट्स सी क्या क्या होता है। अभी फिलहाल तो हॉस्पिटल का काम निपटाते हैं और उसके बाद ही बाकी की चीज़ें करेंगे। बहुत गर्मी है नागपुर में ना, आते से एकदम गर्म लगता है। एसी से वो करेंगे और उसके बाद धूप में आएंगे। हॉस्पिटल से निकल के अब दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। हम लोग अभी आ गए हैं डॉक्टर से बात करके। मिनिमम हमारी बात तो आधा घंटा पौन घंटा तक चली है आगे चीज़ों को लेकर के। और अभी उन्होंने कुछ टेस्ट बोले हैं तो अभी हम लोग वो टेस्ट करवा रहे हैं। थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ ले लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बताते हैं डॉक्टर। रनु की नस मिलती नहीं है, मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि नस छेदना मत, क्योंकि ऐसे हाथों में ऐसा हो जाता है पूरा।
फाइनली रनु गोलियाँ खाने वाली है। एक साल बाद मुझे इतना डर लगा है ना अंदर से, बता नहीं। हाथ अच्छी नहीं थे ना, बताओ गोली में भी दी ले शेप देखो पकड़ पकड़ देख। इसमें भी हार्ट बना हुआ है, गोली में भी हार्ट बना हुआ है। ले तो पहला दिल खा रही है प्रणु मेरा, खाना खर्चा फट से आप ये मत पूछना कि कौन सी गोली है, क्या है, क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे। बस मैं यही प्रे कर रही हूँ, मैं तो कुछ ना हूँ। कुछ नहीं होगा ना, पे फुकट ही डर रही है। गोली खाए हुए प्रणु को 5 मिनट हो चुका है, 5-10 मिनट हो चुका है। कैसा लग रहा है पूछते हैं। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना। फील करके बता रही है कि अभी प्रणु बोली कि मैं सो जाती हूँ। तो मैंने पूछा मेरे बाबू को कुछ हो रहा है, मेरे बाबू कुछ हो रहा है। नहीं, मरने दूंगा जब तो मेरी दूसरी होंगी ना शादी। सपने में आके ऐसा डराऊंगी ना। अभी तो इसको बहुत कुछ बोला डॉक्टर ने, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको क्या क्या बोला है। तो पहले मैं आ गया था मार्केट की तरफ, तो प्रणु, फिर मैंने सोचा यार कि प्रणु को भी ठीक लग रहा है तो प्रणु को भी लेकर के चल लेता हूँ, कुछ खा लेंगे क्योंकि इतने दूर तो यहाँ पर है, यहीं पर पास में ही है। क्या खाना है, क्या है? तो नारियल पीना है, नारियल पानी ऐसा सब कुछ पीना है या कुछ खाना है? कोई ना, कोई वो नहीं है, जूस 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 और ये सब कुछ नहीं है। कमजोर हो गई हूँ मैं। तो हमने अभी ऑर्डर किए हैं मसाले डोसे और दोनों के आ गए हैं, बस अब खाते हैं फटाफट, है ना। यहाँ से ज्यादा दूर ना जाना पड़े और यही हॉस्पिटल के पास में। हाँ, हॉस्पिटल के पास ही जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। सो अभी मैंने ले लिया है मौसम्बी जूस विदाउट शुगर एंड इनका चाय। कैसा है? तो अब नाश्ता तो हो गया है, नॉर्मल हम लोग ने कुछ खा लिया है और अब प्रणु दूसरी 2 गोलियां खाने जा रही है, देखते हैं। खा ले पटक से नाटक नाटक। हम लोग डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, हम लोग डॉक्टर का आपको दिखा नहीं सकते हैं, मगर डॉक्टर हमारे साथ में ही है। सामने कैबिन के सामने बैठे हुए हैं हम, कि ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो तुरंत ही वो एक्शन ले लेंगे। ये ना बैठे बैठे पता है 1 मिनट में चुपचाप है, मैं कौन मन की थी। देख मैंने छोड़ दिया फिर भी नहीं छोड़ रहे मेरा, देख देखो देखो ये दिख गया, ये देख। फाइनली सारा चेकअप हो गया है, गोली खा कर अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। आई एम वेरी हैप्पी कि जैसा हम सोच रहे थे कि ये गोली से भी मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन ना हो जाए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं।
टच वुड अब आगे ऐसा होना भी नहीं चाहिए कभी, है ना। तो चलिए अब हम लोग को कोई आने के जो भी सारी बातें हैं घर जाके बात करते हैं आपसे, और कुछ कुछ चीजें लेनी है, टाइम बहुत कम है, देखते हैं हम ले पाते हैं क्या। क्या मिला देखो, मेरे को मिला बादाम एक कच्चा बादाम का पेड़ था यहाँ पे, पता है। ऊपर हाँ, इसको मैं घर पे फोड़ के दिखाऊंगी आपको, इसके अंदर कच्ची बादाम हूँ पहुंच चुके हैं हम लोग अभी बर्डी मार्केट, और यहाँ से अब देखते हैं कि हमें जो पसंद आएगा वो लेंगे, अदरवाइज फटाफट देख कर ही वापस जाएंगे। सो आ गई हूँ मैं गई थी वॉशरूम, तब तक इन्होंने मेरे लिए कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? अरे मेरे को रास्ता याद नहीं आ रहा था। क्या खरीदा है? तो क्या खासा बिल बनाया तेरा, कितने का हुआ? अब वो घर जाके बताना कितने का हुआ। क्या लिया ये तो बताओ। बता दूं? हाँ, इन्होंने कुछ लिया है मेरे। अब चले गए, 7 बज गया है। ट्रेन कहाँ पर है? हाँ, आपके लिए कुछ लो ना, मेरे लिए बहुत महंगा था अभी वहाँ। मैंने तो बोला कि ले लो, फिर अब आपने मेरे को तेरे लिए ले लिया तो फिर मेरे लिए मेरे अभी इतना मैं कमा नहीं रहा ना। क्या बोलते हो वे? हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये गलीचे वगैरह हमारे रूम के लिए। कौन सा पसंद आ रहा है आपको? इसमें एक ही कलर है क्या ये? नहीं, कलर दिखा दूंगा, पहले एक बार फाइनल कीजिए। अच्छा, क्योंकि फिर आपको जल्दी भी वही ऊपर से आना पड़ेगा, वो से फिर वही क्या कर रहा है लग रहा है। लेकर कैसे जाओगे? सो अभी देखते हैं, हम लोग फाइनल करते हैं। ये है रेलवे कैंटीन, और यहाँ पर ना हम लोग एक विदाउट शुगर कॉफी के लिए रुके हैं बहुत देर से। यहाँ पर ना अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमको चने की, लेकिन अभी बन रहे हैं तो मैं मिल नहीं सकती हमको, है ना। और बहुत टेस्टी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि खा लें बस मिल जाए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा बना रही है दीदी। नहीं लेती ना ये लेने के चक्कर में हमारी ट्रेन का वो हो गया। हाँ, टाइम हो गया और कुछ था लेने और कुछ गए, लेकिन ये लेकर आ गए। ये आ गई भैया मेरी फीकी कॉफी, थोड़ा बड़ा चाहिए था। नहीं ठीक है, अभी इतना मिल गया वही बहुत है, मगर कल से सब बंद है मेरा दूध तो बिल्कुल बंद है। आपके लिए तो अच्छा हो गया यार, मैं तो बोलते थे कि बस बार बार दूध पैकेट ही मंगवाती है। मेरा टेंशन खत्म। पनीर लाना आप, दही पनीर, एक किलो पनीर ला के रख। दही पनीर और दही, वो कल बुधवार है ना, आज कल मंगलवार है, दही अच्छा वाला चाहिए। जल्दी में थे हम लोग कि हम लोगों को जल्दी में एक ही थाली पैक हो पाई हमारी, और ट्रेन आ गई थी तो हम लोग को भागना पड़ा। फटाफट से अब हम लोग खाना खाते हैं, भूख बहुत लग चुकी है ना। खाना खा के और फिर अब हम लोग रेस्ट करेंगे। तो लोग ब्लॉगिंग बंद करो, सब खाना खा लो। हाँ, खाने में ये है भाई, क्या है ये? गाय की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी, दाल, पराठा, चावल, अचार, गुलाब जामुन। आमला पहुँच चुके हैं हम लोग, और देखो ऐसे जा रहे हैं। चलिए अब घर पहुंचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली घर आ चुके हैं हम लोग, और बहुत लेट हो चुका है। अब सोने की तैयारी करते हैं। जो भी आज सामान लेकर आई हूँ वो आप लोगों को कल आराम से दिखाऊंगी, इस व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सोचा तो यही था कि इस व्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कल हम लोगों ने क्या क्या सामान लेकर आया है। तो अगर ऐसा करूंगी तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को मैं अच्छे से जो चीज़ें लाई है वो दिखा भी नहीं पाऊंगी, इसलिए इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल्ड मिनी हॉल नहीं, एक डिटेल्ड हॉल बनाऊंगी, जो चीज़ें कल हम लोग लेकर आए हैं और जो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ली है वो भी, और उसके बाद जो मीशो से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी वो भी, 2-3 पार्सल आ गए हैं तो वो वाली चीज़ें भी एक साथ दिखा दूंगी आप लोगों को।
तो आपको अच्छे से मतलब समझ में आएगा और चीज़ें उनका सब कुछ अच्छे से डिटेल में मैं आपको दिखा पाऊंगी। बाय द वे कल जॉकी से मैंने फर्स्ट टाइम कुछ लिया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने लिया मेरे लिए, बहुत खुश हुई मुझे। मैंने इसके पहले जॉकी ब्रांड कभी ट्राई नहीं किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उसको ट्राई भी करने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने देख लिया है क्या क्या लिया था उन्होंने, आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़, मुझे बहुत पसंद आई, तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी। एंड थैंक यू सो मच डियर हबी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो। सो बस यही था आज का व्लॉग। एंड हॉस्पिटल जाना बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरे अंदर जो डर भरा हुआ था ना यार, कि अगर मैं कोई भी गोली खाऊंगी तो मेरे को रिएक्शन होगा ही होगा, वो कल मेरा डर जो है वो थोड़ा सा निकल गया है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहकर मैंने वो गोलियां खाई और मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, और टचवुड कभी ऐसा फिर से ना रिएक्शन हो, क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है ना वो भयानक होता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इवन लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो दो बार मैं मौत के मुंह से ऐसे बाहर आई हूँ ना उछल के, तो वो जो डर है वो मेरे अंदर ऐसे भरा गया है बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़रूरी था डर निकलना, क्योंकि अब फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी टैबलेट्स तो खानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो टैबलेट्स तो लेनी ही पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर आपको आगे भी अगर कोई भी टैबलेट खानी है लाइक बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, तो वो भी आपको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही खानी है। आपको ऐसी अपने मन से घर पे बैठ के कोई टैबलेट अभी भी नहीं खानी है, और जो टैबलेट से मुझे रिएक्शन होता है ना वो तो कभी नहीं खाना है, मतलब उसको देखना भी नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे को झेलना है, लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा क्या, ये मैं नहीं चाहती हूँ यार। आप लोग प्लीज़ मेरे को प्रे में, आपकी दुआओं में याद रखो, मेरे लिए प्रे करो कि ऐसे कोई भी रिएक्शंस अब मुझे ना हो, ठीक है। बस लेकिन यही लाइफ है यार, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तकलीफ तो है ही लेकिन उसको झेलना ही है हमें, है ना। तो बस यही था यार, बस थोड़ा सा अभी जो डर है वो निकल गया है कि कुछ कोई भी गोली से नहीं होता, जो पर्टिकुलर एक गोली है उससे मुझे रिएक्शन है। एनीवेज़ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कल के व्लॉग के लिए आप लोग ज़रूर एक्साइटेड होंगे और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको भी मुझे दिखाने में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको देखने में मज़ा आएगा। सो कल के व्लॉग के लिए ज़रूर से वेट कीजिएगा, एंड मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक अगर आप लोगों ने ये व्लॉग को पसंद किया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कमेंट किया करिए। कमेंट्स अगर आप लोगों के आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। सो बस चलिए इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट आपको हर नए व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सी यू सून इन आर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।